आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री फिजिक्स और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। Hello friends, हमें दिया है एक हॉर्स है जो कार्ट को पुल कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ से जो कार्ट है वो भी पुल करी है तो हमें बताना है कि हाउ द मोशन ऑफ हॉर्स कार्ट एंड सिस्टम टेक प्लेस तो पहले तो एक डायग्राम बना ले ये हमारा कार्ट हो गया ठीक है इस पे हमारी फोर्स यहाँ लग रही है आर सी ये कनेक्टेड है एक हॉर्स के साथ ये सपोज हमारा हॉर्स है ये हम इसे आर एच लिख सकते हैं इसका वेट हमारे दिया हुआ है एम जी यहाँ फोर्स लग रहा है एफ एच जी ठीक है और यहाँ हमारा फोर्स लग रहा है एफ एच सी और यहाँ लग रहा है एफ सी एच इसका वेट हमें दिया हुआ है एम जी एंड ये हमारा एक फोर्स हो गया स्मॉल एफ तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो हमारा एफ सी एच है इस केस में वो है हमारा फोर्स कार्ट पे ड्यू टू पुल ऑफ हॉर्स ठीक है जो हमारा एच सी है फोर्स वो हमारा है फोर्स ऑन हॉर्स ड्यू टू कार्ट जो हमारा स्मॉल फोर्स है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन कार्ट ड्यू टू ग्राउंड और जो हमारा फोर्स एफ जी एच जी है वो हमारा है रिएक्शन फोर्स फ्रॉम ग्राउंड ड्यू टू पुश Of horse against ground. जो हैं कार्ट की और हॉर्स की वो उनकी वेट के इक्वल है वर्टिकली डाउन जो रिएक्शन फोर्स है वो contact से है ग्राउंड से पर अपवर्ड डायरेक्शन में अब हमें पता है कि जो मोशन के लिए फोर्स हम लिख सकते हैं ऑफ मोशन ऑफ कार्ट का केस पहले लिए अगर हम तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ सी एच है वो ज़्यादा होना चाहिए स्मॉल एफ से ये हमारी इक्वेशन वन हो गई इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स हमारी हॉर्स पे लग रही है जो कार्ट पुल कर रही है एफ सी एच रिस्पॉन्सिबल है मोशन ऑफ कार्ट की एंड कार्ट जो मूव करेगा जब हमारी फोर्स एक्सीड करेगी फ्रिक्शन फोर्स स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कार्ट और ग्राउंड के बीच का है दूसरा हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ मोशन हॉर्स हॉर्स के मोशन की जो फोर्स है वो हमारी बनेगी एफ एच जी इज ग्रेटर देन एफ एच सी ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई फोर्स विच ग्राउंड एक्सीड्स ऑन हॉर्स वो रिस्पॉन्सिबल है मोशन ऑफ हॉर्स के एंड हॉर्स विल मूव अगर ये फोर्स एक्सीड करेगा जो कार्ट पुल कर रहा है हॉर्स तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ऐड कर लें तो हमें मिल जाएगा कि एफ एच जी प्लस एफ सी एच शुड बी ग्रेटर देन एफ एच सी प्लस स्मॉल एफ तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो गई एफ एच जी शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ क्योंकि हमारा एफ एच सी जो है वो इक्वल है एफ सी एच के यह हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड तो इसका मतलब जो फोर्स जिस पे से जो ग्राउंड एग्जर्ट करेगा हॉर्स पे वो उसका पुश होगा अगेंस्ट ग्राउंड वो रिस्पॉन्सिबल होगा मोशन सिस्टम के थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर